आईएसएल सीजन 6 का मैच नंबर 72 एक बहुत ही यादगार मैच रहेगा सभी के लिए। केरला ब्लास्टर एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी, इस मैच पे सिर्फ गोलों का ही बारिश हुआ। टोटल 9 गोल दिखाया इस मैच पे हमें। केरला ब्लास्टर एफसी ने 3 गोल लगाया था, ओगबेचे ने हैट्रिक किया, उसके बाद चेन्नई एफसी ने 6 गोल लगाया। टोटल 9 गोलों का मैच हुआ, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि छोटा मोटा गोलों का बारिश हमें इस मैच पे देखने को मिला। तो इस मैच के अगर पहले हाफ की बात किया जाए तो पहले हाफ में चेन्नई एफसी पूरी तरीके से छाया हुआ था। केरला ब्लास्टर एफसी के डिफेंसिव लैग दिख रहा था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इनका डिफेंसिव लाइन बहुत ही कमजोर होने वाला है इस मैच पे, और चेन्नई एफसी का अटैकिंग साइड बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। और उस तरह की कुछ चीज हमें देखने को मिला फर्स्ट हाफ से ही। क्रिस हेलर ने 39 मिनट में 1 गोल लगा दिया, क्योंकि टीपी रेहनिस ने पास दे दिया था खुद ही गलती से क्रिस हेलर को, और क्रिस हेलर 1-1 सिचुएशन में एकदम गोल लगा दिया। नेक्स्ट उसके बाद फाल्किस ने 45 मिनट पे 1 गोल लगाया, और उसके तुरंत बाद ही क्रिस हेलर ने 1 और गोल लगा दिया था। और 3-0 से यहां पर फर्स्ट हाफ से ही बरात चल रहा था चेन्नई एफसी का। नेक्स्ट सेकंड हाफ शुरू होते ही ओगबेचे ने 48 मिनट में 1 गोल लगाया, और यहां से लग रहा था कि अब कमबैक कर लेगा चेन्नई एफसी के विरुद्ध केरला ब्लास्टर एफसी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही 59 मिनट में लालिन ज्वाला छंग ने 1 गोल लगाया, 65 मिनट में फिर से 1 और ओगबेचे ने गोल लगा दिया। नेक्स्ट ओगबेचे ने 76 मिनट पर 1 और गोल लगाया और अपना हैट्रिक पूरा किया, और यहां से लग रहा था कि अब क्या होगा चेन्नई एफसी का। लेकिन फिर से छंग 80 मिनट पे 1 और गोल लगा देकर इसको और भी बड़ा कर दिया स्कोर को। नेक्स्ट फिर से 90 मिनट में आया वाल्किस ने, और उन्होंने भी 1 और गोल लगा दिया। क्या यार, मैं तो गोल ही बता रहा हूँ आज, गोल और गोल ही देखने को मिला इस मैच पे। बहुत ही ज़बरदस्त एंटरटेनिंग मैच था। आपको कैसा लगा मैच मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और केरला ब्लास्टर एफसी का पत्ता अब शायद कट चुका है टॉप 4 के लिए, लेकिन चेन्नई एफसी के लिए बहुत ही भरा अब मौका आ चुका है टॉप 4 में जाने के लिए। और अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है आईएसएल सीजन 6 का मैच नंबर 73 जमशेदपुर एफसी वर्सेस एटीके। जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड पर मैच होगा, शाम 7:30 बजे से ही मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर देख सकते हो, टीवी में आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। तो एक और क्रूशियल मैच होने जा रहा है जमशेदपुर एफसी वर्सेस एटीके के बीच। जमशेदपुर एफसी अगर टॉप 4 में जाना चाहता है, उनका अगर कुछ भी होप है, तो उनको इस मैच पे जीत हासिल करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ एटीके इस मैच पे जीत हासिल करके टॉप पोजीशन पर जाना चाहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल एफसी गोवा वहां पर बैठा हुआ है, उसके बाद है बेंगलुरु एफसी, और तीसरे पोजीशन पर है एटीके। एटीके अगर इस मैच पे हार जाता है तो उनके पास बहुत ही कम चांस रहेगा टॉप 4 में ऊपर जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पे। अगर दोनों टीम का हेड टू हेड देखा जाए तो यहाँ पर जमशेदपुर एफसी और एटीके के विरुद्ध टोटल 5 मैच हुआ है। 1 पर जीत हासिल किया है जमशेदपुर एफसी, 2 पर जीत हासिल किया है एटीके, 2 मैच ड्रॉ हुआ है, 4 गोल लगाया है जमशेदपुर एफसी ने, 6 गोल लगाया है एटीके ने। तो पहले अगर जमशेदपुर एफसी के टीम अपडेट के बारे में बात किया जाए, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, तो केरला ब्लास्टर एफसी के विरुद्ध एक जीत हासिल करने के बाद लग रहा था कि मोमेंटम पकड़ लेगा जमशेदपुर एफसी, लेकिन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला चेन्नई एफसी के विरुद्ध। 4-1 से हार स्वीकार किया जमशेदपुर एफसी, और कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम फिर से चला गया। तो इस बार इनके पास एक और चांस है, अगर एटीके को हरा देता है तो वो टॉप 4 के लिए अभी भी अवेलेबल रहेगा, अगर हार जाता है तो कोई चांस शायद उनके पास नहीं बचेगा। जमशेदपुर एफसी के लिए इस मैच पे एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा उनका डिफेंस लाइन, क्योंकि तीरी फिर से अनअवेलेबल रहेगा। उनका जो रिब इंजरी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मिमो और गहलोत अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा था लास्ट मैच पे, वाल्किस उसके बाद क्रिस हेलर, इन दोनों को रोक नहीं पाया, और यहाँ पर फिर से विलियम्स आ सकता है, उसके बाद रॉय किशना तो मौजूद है, तो एक बहुत ही भारी प्रेशर रहेगा इनके डिफेंसिव लाइन के ऊपर। उसके बाद फारूक चौधरी, ग्रांडे और कस्टल का जो जोड़ी है उतना ज़्यादा हमें इफेक्टिव साबित नहीं दिख रहा है, क्योंकि गोल ही नहीं आ रहा है जमशेदपुर एफसी की तरफ से जब से पीटी बाहर गया है। जो पहला इनका 3 जोड़ी था फारूक चौधरी, पीटी और कस्टेल, वो बहुत ही असरदार था, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर एफसी के अटैक में उतना दमखम हमें नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस करता है एटीके के विरुद्ध। और अगर एटीके की बात किया जाए तो एटीके सभी जगह से अभी एकदम टिक मार्क करके बैठा हुआ है। अगर अटैक की बात किया जाए तो ज़बरदस्त इनका चल रहा है, उसके बाद अगर डिफेंस की बात किया जाए तो डिफेंस भी इनका ज़बरदस्त हो रहा है। तो एटीके की टीम में हमें उतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि इस मैच पे कम बैक कर सकता है डेविड विलियम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइन है एटीके के लिए। एटीके को कोशिश करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा गोल लगाकर गोल डिफरेंस बढ़ाने के लिए, और इस मैच पे जीत हासिल करके 3 पॉइंट लेकर ऊपर जाने का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोनों टीमों का क्या होगा प्लेइंग 11 इस मैच के लिए।
तो सबसे पहले अगर होम टीम की बात किया जाए यानी कि जमशेदपुर एफसी की, तो इनका फॉर्मेशन मैं सेट कर रहा हूँ 4-4-2। गोलकीपर में रहेगा सुब्रतो पॉल, उसके बाद राइट बैक पर होगा लॉरेंको, सेंटर बैक पर रहेगा गहलोत के साथ मिमो, लेफ्ट बैक पर होगा जायरू, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पर होगा मोंडोई के साथ अमरजीत सिंह कियाम, राइट मिडफील्ड पर होगा फारूक, लेफ्ट मिडफील्ड पर होगा कोस्टा, अटैकिंग साइड पर मौजूद रहेगा कस्टेल के साथ ग्रांडे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एटीकी के बारे में, तो एटीकी का फॉर्मेशन जैसा रहता है 3-5-2 वैसा रहेगा। गोलकीपर में रहेगा अरिंदम, डिफेंसिव लाइन पर मौजूद रहेगा कोटाल के साथ ओगास और राठी, राइट मिडफील्ड पर रहेगा प्रबीर दास, लेफ्ट मिडफील्ड पर रहेगा सोसाई राज, सेंटर मिडफील्ड पर मौजूद रहेगा मैंडी, जवियर और राणे, अटैकिंग साइड पर मौजूद रहेगा विलियम्स के साथ रॉय कृष्णा। इस मैच पे विलियम्स का कमबैक करना एकदम 100% कंफर्म है। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्रेडिक्टेड पिलंग इस मैच के लिए। आप लोग क्या सोच रखते हो पिलंग के बारे में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अगर विनिंग चांसेस की बात किया जाए तो मैं जा रहा हूँ इस मैच पे एटीके के साथ। एटीके का जीतने का चांस रहेगा 60%, जमशेदपुर एफसी रहेगा 40%। विनिंग चांसेस के बारे में भी आपका क्या सोच है वो भी जरूर कमेंट कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।